गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी हो गई है सुबह एंड बाय द वे मैं आपको बता दूं, हमारा आज गोकर्णा में लास्ट डे है। तो हम लोग आज क्या क्या करेंगे वो सारी चीज़ें मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो मैं इस लोकेशन के बारे में बता देती हूं कि ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं रूबी रिजॉर्ट की लोकेशन है, जो कि बहुत प्यारी लोकेशन पे है। एंड ये उसके बाहर का एरिया है, ये देखिए सारा का सारा। एंड ये जो आप येल्लो कलर की बिल्डिंग देख रहे हैं, ये उनके जो है रूम्स हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऐसे कंफर्टेबल हैं, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। एंड ये उसके बाहर का व्यू है। तो आप ये यहाँ पर चेयर्स देख रहे हैं, तो यहीं पे बैठ करके हम लोगों ने रात में डिनर किया था। एंड ओ माय गॉड, डिनर के बारे में तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, अमेजिंग। सो ये लोग जो है यहीं पर ही अपने घर में जो है डिनर बना करके जो है आप लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं। हाय क्यूटी। सो चलिए मैं आपको बाहर ले चलती हूँ, मतलब बाहर तो हम ऑलरेडी हैं ही, बट इसे थोड़ा सा ही अगर आप आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पे बीच देखने के लिए मिल जाएगा। अराउंड 1 or 2 minutes की वॉक पर है, मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। सो यस, ये है बहुत ही प्यारा सा व्यू, रूबी रिजॉर्ट के जस्ट सामने ही है। सो यस, अगर आप यहाँ पे स्टे करते हैं तो डेफिनेटली आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। सो प्लीज़ कभी भी अगर आप आएँ तो एक बार रूबी रिजॉर्ट में ज़रूर स्टे कीजिएगा। सो यहाँ लाइफ में मैं सेकेंड टाइम जो है लेंसेज वेयर कर रही हूँ एंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल हो गया था। अराउंड मुझे 15 to 20 minutes लग गए थे इन्हें पहनने में, बट यस एट द एंड जो है हमारा टास्क सक्सेसफुल हो गया। सो मैं कैसी लग रही हूँ आप आगे मुझे बताइएगा। हाय बोल दो दीदी। नमस्ते। ये है पिंकी दीदी जिन्होंने कल रात हमें बहुत ही टेस्टी खाना बना के खिलाया था। ये देखिए और दीदी की खुशी खुशी देखिए, उनको उनको रिव्यूज प्रोवाइड कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप ये रूबी होम स्टे है, गोकर्णा बीच के पास ही है, मतलब ऐसा नहीं आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा बीच के लिए, जस्ट 5 minutes हाँ, 2 to 3 minutes में जो है आप जो है बीच पे पहुंच जाओगे। वो ऑलरेडी मैंने लोगों को दिखा दिया है, ये देखो वो सीधा आप देख रहे हैं। एंड हॉस्पिटैलिटी आपको बहुत अच्छी मिलेगी जो कि दीदी ही प्रोवाइड करेंगी। तो आप एक बार जरूर विजिट कीजिएगा यहाँ पर। चले अब तो अभी हम कर रहे हैं यहाँ से चेकआउट, अब आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। और लेंस लगा के मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। तो अभी हम पहुंच गए हैं महाबलेश्वर टेम्पल और यहाँ पे नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये पूरा पार्किंग का एरिया है एंड मेरे बैक में आप देख रहे हैं पूरा बीच। यहाँ पे आप जहाँ जाओगे आपको बीच मिलना ही है। और ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा क्लीन बीचेज हैं यहाँ पर, कि ऐसा नहीं कि कहीं गंदगी है या कुछ है, बहुत क्लीन। तो फिलहाल तो हम वाइबॉक पार्किंग से वाइबॉक टेंपल जाएंगे, वहाँ पे शिव जी के दर्शन करेंगे एंड फिर देखते हैं आगे क्या करना है क्या करेंगे। तो हमारे लड़के लोग भी हो गए लुंगी पहन के रेडी। और इनको बड़ी ही ज्यादा दिक्कत हो रही है। अरे भाई साहब, खुल कैसे गया यार। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग तो मैं आपको बताना भूल ही गई कि आप कभी भी जो है महाबलेश्वर टेम्पल गोकर्णा आते हैं तो यहाँ पर जो है गर्ल्स को स्कर्ट टॉप कुर्तीज या साड़ी पहननी होती है एंड बॉयज़ को जो है लुंगी पहननी होती है एंड ऊपर की शर्ट रिमूव करनी होती है, उसके बाद ही जो है आप यहाँ पे महादेव के दर्शन कर सकते हैं। एंड कन्फ्यूज मत होइएगा, ये महाबलेश्वर जो है महाराष्ट्र वाला नहीं है, ये गोकर्णा वाला महाबलेश्वर है। यहाँ पे इनकी लुंगी खुल चुकी है अपनी इज्जत बताने में। हाँ ये गुड, चलो फाइनली डन। चलो चलिए हमारा चल गया है आगे।
देखा 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 देखा। चलो अपने फ्लावर्स परचेज कर लो। हर हर महादेव। अभी हमारे दर्शन बहुत ही ज्यादा अच्छे से हो गए हैं। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे अपने पार्किंग एरिया में एंड फिर वहाँ से देखते हैं कहाँ जाना है। एक्चुअली अब भूख बहुत ज्यादा लग रही है, 12 बज रहे हैं, तो पहले कुछ खाएंगे अच्छे से, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। ये जस्ट मंदिर के बाहर का एरिया है, तो यहाँ से आप अपने घर के मंदिर के लिए कुछ भी सामान खरीदना चाहते हैं तो वहाँ इजीली ख़रीद सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स हो गए या अपने लिए कुछ भी ट्रेडिशनल क्लोथ्स हो गए, तो सब कुछ आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इजीली मिल जाएगा। तो अभी हम पहुंच गए विभूति फॉल्स। एक्चुअली पहुंचे नहीं हैं अभी, 1 किलोमीटर का ट्रैक रहता है एंड सुबह से हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया है, तो मुझे नीचे ही ये सॉफ्टी वाले भैया दिख गए, तो थोड़ी सी पेट पूजा कर लेते हैं। अब मुझे एक देना भैया, माउन की दीवानी का फोटो फ्री कर दीजिएगा। 20 वाला ही दे दो। दो दे दो भैया, भाई छोटा वाला तो अभी हम सब लोगों ने खा लिया सॉफ्टी, तो अभी लग रहा है कि अच्छा ठीक है, शरीर में थोड़ी बहुत जान बची है तो हम इतनी दूर जो है चढ़ाई कर सकते हैं। तो वायदा भी ये काइंड ऑफ चढ़ाई नहीं है, आपको जो है पूरे रास्ते में स्टेयर्स मिलेंगी जगह जगह पे, बट कुछ पार्ट में जो है आपको ऐसे ही नॉर्मल रास्ता मिलेगा। तो यस, मैंने बहुत ज़्यादा सुना है विभूति फॉल्स के बारे में, लेट्स सी क्या है, क्या देखने के लिए हमें वहाँ पे मिलता है। सो चलिए अब चलते हैं फिर। इतनी ज़्यादा लंबी ट्रैकिंग के बाद फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं विभूति फॉल्स एंड जितना एक्सपेक्ट किया था उतना ज़्यादा तो नहीं है, बट इट्स ओके, काम चल जाएगा। क्योंकि जो है हमारी टाइमिंग्स थी वो गलत थी। अगर आप यहाँ पे रेनी सीजन में आएंगे तो आपको यहाँ पे फ्लो जो है फॉल का ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएगा, बट इट्स ओके। अभी हम यहाँ खाने के लिए रुके हैं रेस्टोरेंट में, नियर ऑन द वे ही पड़ा है, तो हमने सोचा थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ खा लेते हैं, बिकॉज मॉर्निंग से किसी ने भी कुछ भी नहीं खाया है। तो यस, हम यहाँ पे थोड़ा बहुत खाएंगे एंड फिर यहाँ से हम लोग हुबली के लिए निकलेंगे। हुबली से हमारी ट्रेन है 9 बजे की। तो यस, इज द रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे अभी हम कुछ खाना वाना थोड़ा बहुत खा लेते हैं एंड यहाँ से हुबली की ड्राइव जो है अराउंड 3 घंटे की है, तो हमें 7 बजे से पहले वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा एंड वहाँ पे हमें गाड़ी देनी है जहाँ से हम लोगों ने पिकअप करी थी गाड़ी, वहीं पे हमें इसे छोड़ना भी है एंड फिर उसके बाद रेलवे स्टेशन भी जाना है, तो जल्दी जल्दी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी एंड ये लेंसेस मुझ पे सूट कर।
हम लोगों ने रात के डिनर के लिए डोमिनोज से पिज़्ज़ाज मंगवाए हैं जो कि हम लोगों ने रास्ते में ही ऑर्डर कर दिया था एंड डिलीवरी जो है उन्होंने हमें स्टेशन पे आकर के दे दी थी। मैं कह रही हूँ ना कि तुम कोल्ड ड्रिंक देखने के लिए चेक करने के लिए गए हो। यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। तो हम पहुंच गए हैदराबाद एंड यहाँ पर हमारे गोकर्णा का सफ़र होता है ख़त्म। अगर आप लोगों ने मेरे गोकर्णा के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर के एक बार ज़रूर देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच दिल से।